नमस्कार दोस्तों। तो आज के करंट अफेयर में आप सबका फिर से स्वागत है, और आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पे हम बात करेंगे। और अपना कॉपी और पेंसिल अपने साथ रखिएगा और महत्वपूर्ण बातों को नोट करिएगा। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो टेलीग्राम की लिंक पर जाकर, मतलब कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब के होम पेज पे आपको आइकन दिखेगा टेलीग्राम का, उसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहली न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 27 सितंबर से लाइव स्ट्रीम करेंगे, मतलब लाइव स्ट्रीम करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती हैं, जो संवैधानिक बेंच होती हैं, उनकी हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में जो डिजिटल संबंधी चीजें हैं वो बढ़ रही हैं, तो इसके संबंध में महत्वपूर्ण बात है। इससे पहले भी लाइव स्ट्रीम होती रही, जब कोविड के दौरान कोर्ट में लोग नहीं जा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, तब चीजें लाइव के द्वारा चली सुप्रीम कोर्ट में। और आजकल आप यूट्यूब पे वीडियो भी देखते होंगे कि कोर्ट के माध्यम से किसी डीएम को कैसे झाड़ा जाता है, और कई जो अधिकारी हैं उनको कैसे उन पे, मतलब कि काम किया जाता है, इस बात को आप समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने, सबसे पहले बात करते हैं, इसमें एक शब्द आया कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होती है। तो संवैधानिक जो बेंच होती है उसमें क्या होता है, एक्चुअली पांच या पांच से अधिक जज उसमें होंगे बेंच में, और वो किसी केस की क्या करेंगे, सुनवाई करेंगे, या वो महत्वपूर्ण कानून का प्रश्न होगा या फिर वो महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न होगा, उस पर क्या करेंगे, सुनवाई करेंगे। तो इस बात को आपने समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होती है, पांच या पांच से अधिक जज होते हैं, और महत्वपूर्ण कानून से संबंधित प्रश्न या संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न होते हैं, उस पर वो सुनवाई का कार्य करते हैं। जैसे केशव आनंद भारती वाद 1973 में हुआ, 13 जजों की बेंच थी, ठीक है। तो ये हमारा ये होता है संवैधानिक बेंच। अब इसमें क्या, सुप्रीम कोर्ट में एक 2021 में एक कमेटी, ई कमेटी का गठन किया और मॉडल रूल बनाने को कहा कि आप इस ई लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए आप क्या करो, एक मॉडल रूल बनाओ। और 2018 में इससे पहले स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में एक डिक्लेयर किया, कहा कि लोगों को न्याय एक्सेस करना, ये भी आर्टिकल 21, मतलब कि जो जीवन का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है, उसके अंतर्गत क्या है, एक राइट टू एक्सिस, मतलब कि न्याय को उनको प्राप्त करना एक अधिकार है। तो इसलिए दो मामले हैं कि स्वप्निल त्रिपाठी बाद वो कहता है कि न्याय को एक्सेस करना किसी व्यक्ति का आर्टिकल 21 के तहत संवैधानिक अधिकार है, मतलब मौलिक अधिकार है। हम उसको लाइव टेलीकास्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग क्या कर सकें कि न्याय को एक्सेस कर सकें, अपनी समझ बना सकें, और जो न्यायपालिका है उसकी जो भी प्रक्रिया है उसको समझ सकें, और न्यायपालिका के बारे में अपने विश्वास को पुनः जागृत, मतलब कि न्यायपालिका के बारे में अपने विश्वास को जागृत कर सकें, ठीक है। ये हमारी बात है। सबसे पहले बात करते हैं कि करंटली क्या है, सिक्स हाई कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग चलती है, जैसे गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिलती है, और इन्हीं के जो वीडियो हैं वो हमको यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट का थर्ड फेज का प्रोजेक्ट है जिसको ई कोर्ट प्रोजेक्ट नाम से बोला जाता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे, तो बेनिफिट क्या होगा, सबसे अधिक क्या होगी, एक ट्रांसपेरेंसी होगी, पारदर्शिता होगी, पब्लिक उनका क्या कर सकेगी, मतलब अगर कोई लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है तो पब्लिक क्या कर सकेगी, जांच कर सकेगी कौन सबूत रख रहा है, जज अपना क्या, मतलब कि उस पर नजरिया रखते हैं उस संबंधित गवाह पे, ठीक है। तो ये सारी बातें होंगी, इससे क्या होगा, समावेशिता बढ़ेगी, और इससे संबंधित आप यूट्यूब के माध्यम से जो भी रिसर्च है उनको सहायता मिलेगी, तो वो क्या कर सकते हैं,
रिसर्च भी कर सकते हैं और कानून के बारे में देश में जागरूकता बढ़ेगी और जो न्यायपालिका है उसके ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ेगा, ठीक है। और इससे संबंधित काम होंगे तो हमारे पॉजिटिव हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉजिटिव है कि सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित मामले हैं उन पे भी तुरंत निपटान पे कार्य होगा, तो इस बात को समझ सकते हैं। और चौथा बेनिफिट है, आज आजकल आपने देखा होगा कि बड़े बड़े वकील हैं तो वो हर बार जाने के मतलब कि एक दिन में एक जगह जाते हैं तो दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे, तो लोग चाहते हैं कि हमारे लिए बड़ा वकील लड़े, तो बड़े वकीलों की एक्सेस आसान हो जाएगी, वो ई मतलब कि लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से कोर्ट से जुड़ सकते हैं और एक से ज्यादा मामलों में अपना पक्ष रख सकते हैं, तो ये भी हमारे लिए बेनिफिट होगा। चैलेंज क्या होंगे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में, अभी क्या है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का अभाव है। मतलब कि अब यूट्यूब पे अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं एक, ठीक है कर लो, लेकिन आपके पास अपना भी तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उस पे करो आप लाइव स्ट्रीमिंग। दूसरा, मैन पावर की कमी है और डिजिटल डिवाइड है, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे क्या है, अभी डिजिटल अवसंरचना का विकास नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा, सिक्योरिटी सुरक्षा प्राइवेसी संबंधित अधिकार देखने को, मतलब कि चिंताएं देखने को मिलती है, मगर अगर कोई विक्टिम अगर विटनेस अगर गवाह देने जाते हैं विटनेस, तो उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं। और मीडिया न्यायपालिका के वीडियो को सनसनीखेज खेज बनाकर यूट्यूब पे वायरल कर सकती है, तो उससे क्या होता है कोर्ट ऑफ कंटेंप्ट का मामला भी देखने को मिलेंगे हमको, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं हैं। अब हम इससे कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं कि जुडिशरी में इशू क्या है। एक्चुअली आप इसको लिख सकते हैं मेंस में, जुडिशरी में सबसे बड़ा इशू है कि जुडिशरी में वैकेंसी है, जुडिशरी में रिक्तता है, जुडिशरी में क्या है, जो भी वैकेंसी है वो आपको देखने को कम देखने को मिलती है। हम हमारे पास जो जजेस हैं पॉपुलेशन की जो अपेक्षागत, तो उनका अनुपात क्या है, कम है। जैसे हाई कोर्ट में अभी कितने जज हैं, 34 हैं। केसों की पेंडेंसी अधिक देखने को मिलती है, ठीक है। ऑपेसिटी अपॉइंटमेंट में देखने को मिलती है जजों के में, और जो जुडिशियल ओवररीच ओवररीच देखने को मिलता है, इसका मतलब है कि न्यायपालिका सक्रियता देखने को मिलती है, कि न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में क्या करती है, हस्तक्षेप करती है। आपने देखा होगा न्यायपालिका कभी कभी लॉ बना देती है, तो ये क्या है, लॉ बनाना किसका काम है, विधायिका का। तो हमारे देश में विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, ठीक है। न्यायपालिका का काम ये है कि हम क्या करें, जो विधायिका के द्वारा कानून बना है उसका हम रिव्यू करें कि सही कानून बना है या गलत बना है। विधायिका का काम है कानून निर्माण करना और कार्यपालिका का काम है क्या, कानून को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। इन तीनों के कार्य अलग अलग हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि न्यायपालिका के द्वारा कानून बना दिए जाते हैं निर्देश देने की जगह, जैसे आपने देखा होगा हाईवे पे 100 मीटर की रेडियस में शराब के जो जो ठेके हैं वो नहीं होंगे, शराब की दुकानें नहीं होंगी, फायर क्रैकर से संबंधित मामला हो वो नहीं होगा। तो ये हमें न्यायिक सक्रियता के उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इश्यू क्या है, इश्यू ये है कि एबिलिटी वाली समस्या है, हमें अगर किसी को न्यायपालिका में है तो पैसा पैसे वाले व्यक्ति न्यायपालिका में न्याय अर्जित कर सकता है, जबकि गरीब व्यक्ति नहीं। फिजिकल जो अवसंरचना संबंधी समस्या है वो हमें देखने को मिलती है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, हम समानता के अधिकार की बात करते हैं, ठीक है, तो न्यायपालिका में हमें देखने को मिलती है महिलाएं जजों की संख्या बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है, इसको भी देख सकते हैं। कारण क्या है, वर्डन कुछ केसेस है न्यायपालिका के पास, तो कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण है कि न्यायपालिका के पास क्या है, स्टाफ की कमी है। न्यायपालिका की एक ही डिस्टेंस सीट है, मतलब आपको जो न्यायपालिका मिलेगी वो क्या एक ही मिलेगी दिल्ली में, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी अलग अलग ब्रांचेस नहीं है, कहीं नॉर्थ का व्यक्ति नॉर्थ में चला जाए, साउथ का व्यक्ति साउथ में चला जाए। ये जो सुप्रीम कोर्ट वाली न्यायपालिका है ये मेन बेंच रहे, ये केवल संवैधानिक जो मुद्दे हैं उनकी सुनवाई करे, ऐसा न्यायपालिका ने अपने जजमेंट में कहा, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं किया गया है। और इसका कारण है कि न्यायपालिका में मुद्दे हमको लंबित देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरा, न्यायपालिका क्या करती है, न्याय देने की बजाय जो सोशल
मैटर होते हैं उन पे फोकस करती है, ऐसे न्याय में क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। जबकि न्यायपालिका का काम भी क्या है, सामाजिक न्याय स्थापित करना। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को हम अलग अलग नजरिए से नहीं दे सकते। तीनों का काम क्या है, सामाजिक न्याय स्थापित करना, लोक कल्याण करना, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना। ठीक है, तो ये पॉइंट है। दूसरा, जो लोअर कोर्ट है उनके पास पावर की कमी है। तीसरा, जो लोक अदालत हम देखने को मिलती है उनके पास ओवरबर्डन, उनके पास केसों की संख्या अधिक है। और अगर हमारे पास किसी को अगर न्याय में मिलने में देरी होती है तो वो क्या करता है, क्राइम की राह अपना लेता है। तो ये भी समझ में आता है। जैसे आपने चंबल में, जैसे पान सिंह तोमर मूवी में आपने देखा होगा, ठीक है, पॉवर्टी ऑफ मासेस है, पॉवर्टी देखने को मिलती है हमको। ह्यूज नंबर ऑफ अंडर ट्रायल केस देखने को मिलते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि 77% जो केसेस हैं अंडर ट्रायल हैं। और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उनका रेगुलेशन पुअर है, मतलब कि वो अच्छे वकीलों का निर्माण नहीं करते हैं तो वो बहस नहीं कर पाते हैं, इसलिए केस पे क्या मिलती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती जाती है। ठीक है, तो ये समस्या है। और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो ये हमने इस न्यायपालिका के बारे में पढ़ा। तो मेंस में अगर न्यायपालिका से संबंधित आपके पास कोई प्रश्न आता है तो आपको इजीली हैंडल कर पाएंगे, ये पॉइंट आपके लिए काम आएंगे, आप इनको देखना। कुछ डेटा है, ठीक है, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना कि 59.3 लाख पेंडिंग केस हैं, 5 ईयर में 22.3 लाख केस क्या हो गए हैं, माने कि जिनको 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। और ठीक है, और यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र में हमको लार्ज नंबर ऑफ केस देखने को मिलते हैं पेंडिंग में, तो हिमालय महत्वपूर्ण बात है, आप इस डेटा को कोट कर सकते हैं। ठीक है, अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कुछ प्रोजेक्शन किया है इंडिया की इकोनॉमी के बारे में। उसने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी 7.5% से कितनी आएगी, 7% आएगी। तो इनने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी में क्या होगा, अभी थोड़ा सा कम होगी, तो इनने ऐसी बात कही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है और उसके क्या कार्य हैं, क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इससे संबंधित जितने भी संस्थाएं हैं जो एडीबी के समतुल्य हैं, तो उनको भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे मनीला, जो फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला, 1966 में 31 मेंबर साथ आए और उन्हें एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करने के लिए एक साझेदारी की, और कहा कि हम इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के, एशिया के एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए साथ आके काम करेंगे। तो इसलिए ठीक है, और फूड प्रोडक्शन और रूरल डेवलपमेंट की दिशा में काम करने के लिए सहमति बनाई। ठीक है, इसका जो स्टेब्लिश हुआ था 1966 में हुआ था। ठीक है, और इसको जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो क्या थे, तकेसी वाटन वे थे। ठीक है, इसमें अभी क्या है, 68 मेंबर हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इंडिया भी मेंबर है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि एशिया के 49 मेंबर हैं। उसके बाद कितने मेंबर हैं, आउटसाइड कितने हैं, 19 मेंबर हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी आपको जो चीज याद रखनी है वो ये है कि एशिया में जो सबसे, जो इस बैंक में सबसे बड़ा शेयर है वो किसका है, जापान का है 15.67%, और उसके बाद कितना है, अमेरिका का है, उसके बाद चाइना का है, और चौथे नंबर पे हम आते हैं जिसको बोलते हैं भारत। ठीक है, ठीक, तो चौथा शेयर इस बैंक में किसका है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, किसका, इंडिया का है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला में है, तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब हम मेंबर स्टेट देख लेते हैं। जो आपको जो ब्लू में देख रहा है ये इसके नॉन रीजनल हैं, क्योंकि एशिया ये तो पड़ता नहीं है। ये वाले कितने हैं, 19 मेंबर हैं। कितने हैं, 19। और जो इंडियन ओशियन है, जो पैसिफिक ओशियन है, जो एशिया वाली कंट्री है, इसके जो मेंबर हैं वो कितने हैं, 49। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें आउटसाइड जो हमारे पास एशिया के मेंबर भी इसमें हमको देखने को मिलते हैं। इनका एक प्रोग्राम चलता है, ग्रीन बॉन्ड प्रोग्राम। ये क्या करते हैं, इन प्रोजेक्ट को हम, ये लोग फंडिंग देते हैं जो पर्यावरण को संरक्षण की दिशा में काम करते हैं,
जो ग्रीन हाउस गैसों को इमिशन को कम करने की दिशा में काम करते हैं, कुल मिलाकर जो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने की दिशा में काम करते हैं, उन प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, फंड देते हैं, उस बोलते हैं ग्रीन बॉन्ड प्रोग्राम बोलते हैं। तो आप इसको स्पेशली क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब इससे संबंधित संस्थाएं हैं जो हमारे एग्जाम में कभी कभार पूछ ली जाती हैं, उनमें अंतर पूछ लिया जाता है, तो हम इसको एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्या है। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक को हमने कल भी पढ़ा डिटेल में, इसको 1944 में स्टेब्लिश किया गया। इसकी जो कंट्री है 188 है, और इसका जो शेयर होल्डर सबसे बड़ा है वो अमेरिका है। इसका काम है कि दे विश्व की गरीबी को खत्म करेंगे, सतत विकास को बढ़ावा देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें वीटो पावर रखता है कौन, यूएसए, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा आईएमएफ है, इसका भी 1944 में स्टेब्लिश हुआ, 188 मेंबर है। लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है, यूएसए। और ये क्या करते हैं, जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है उसको चेक करते हैं, जैसे हाल ही में श्रीलंका में इसके द्वारा क्रेडिट उपलब्ध कराया गया, और भारत को 1991 में क्रेडिट उपलब्ध कराया गया जो वित्तीय संकट था उसको दूर करने के लिए। इसमें भी जो वीटो पावर है वो यूएस रखता है, और वॉशिंगटन में इसका मुख्यालय है, ठीक। अब हमने जो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक पढ़ा वो 1966 में स्टेब्लिश हुआ, 68 मेंबर हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि इसके पास वीटो पावर नहीं है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला में है। और एक जो बैंक है एआईआईबी, ठीक है, इसको 2015 में स्टेब्लिश किया गया। इसमें जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वो चाइना है, और इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है। तो इसमें जो वीटो पावर है वो क्या है, चाइना के पास है। तो एक्चुअली क्या करते हैं, जो वर्ल्ड है, जो विश्व है, इसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं बैंकों का उद्देश्य ये है, इसमें इन दो चीजों में यूएसए डोमिनेट करता है, इसमें इसमें भी यूएसए ही है, मतलब जापान का एलआई, मतलब कि यूएसए का एलआई कौन, जापान, तो जापान देखने को मिलता है, इसमें चाइना है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे अंतर। अब एक शब्द हमेशा चर्चा में रहता है, श्रिंक इन्फ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन क्या है, एक्चुअली आपने देखा होगा जो डेयरी मिल्क है, ठीक है, चॉकलेट अब आपको छोटी मिलने लगी, तो आपने उसके पीछे कोई, पहले आपको मान लो उसका साइज इतना था चॉकलेट का, अब आपको चॉकलेट इतनी मिलने लगी, और उस पे ऊपर से लिख देते हैं कि 20% एक्स्ट्रा, ठीक है, पन्नी बड़ी कर दी। लेकिन पहले आपको 49 ग्राम मिलती थी, अब आपको 45 ग्राम मिलने लगी, पहले आपको 58 ग्राम मिलती थी, अब आपको 51 ग्राम मिलने लगी। अच्छा, आपने एक चीज गौर की होगी, पहले 5 रुपए का जो पार्ले जी का पैकेट था वो आपको इतना बड़ा मिलता था, लेकिन आज अगर आप पार्ले जी का पैकेट लेने जाएंगे तो वो आपको इतना देखने को मिलेगा। कभी आपने नोटिस किया है ऐसा क्यों, पार्ले जी की कीमत 5 ही रुपए है अभी तक जब से वो चला, लेकिन उस 5 रुपए की कीमत में उसका साइज क्या होता गया, छोटा होता गया, मतलब उसके अंदर जो क्वांटिटी थी वो क्या होती गई, कम होती गई। तो इस चीज को बोलते हैं, मतलब 5 रुपए में पहले आपको 100 ग्राम चीज मिलती थी, आज आपको 5 ग्राम में 10, मतलब कि 80 ग्राम चीज मिल रही है। इसका मतलब है कि आपकी जो 5 रुपए की खरीदने की जो क्षमता थी वो कितने, पहले 100 ग्राम थी, आप कितना खरीद पा रहे हैं, आप 80 रुपए खरीद पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी जो वैल्यू थी वो कम हो गई, तो इसको बोलते हैं श्रिंक इन्फ्लेशन, जो आपको दिखती नहीं है लेकिन आप उसका दिनों दिन यूज करते हैं, चिप्स के पैकेट में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं श्रिंक इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इस शब्द को ध्यान रखेंगे, गुण क्वांटिटी पे आधारित है, ठीक है। आज ही आप पाल लीजिए का पैकेट मार्केट से लीजिएगा 5 रुपए का, उसको स्पेशली अगर आप गौर करना, कोई चिप्स का पैकेट लेंगे तो आप अभी ले रहे हैं, और कुछ महीनों सालों बाद लेंगे तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि सिंक इन्फ्लेशन क्यों करते हैं, जब पार्ले जी ने कुछ टाइम पहले आपने न्यूज सुनी होगी कि पार्ले जी ने अपने पैक, मतलब बिस्किट के दाम बढ़ा दिए थे, तो उसकी सेल क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो उसने सोचा हम बिस्किट के दाम बढ़ाएंगे तो लोग हमारा खरीदना कम करेंगे, तो उनने कहा हम इसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं, और बिस्किट उतने का ही हम बेचेंगे 5 रुपए में, ठीक है। तो जनता क्या बनी, बेवकूफ, बात समझ में आ रही है। तो इसको बोलते हैं श्रिंक इन्फ्लेशन बोलते हैं।
और एक हिडन इन्फ्लेशन है, ठीक है, आपको दिखती नहीं है। कारण यह है कि इतने सालों से पार्ले जी 5 रुपए का है, तो मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ी तो उसकी कॉस्ट भी तो बढ़ी होगी। तो अगर दाम नहीं बढ़ा रहा है तो क्या करेगा, क्वांटिटी कम करेगा, तो कॉस्ट तो जो प्रोडक्शन होता है, लागत होती है, वो बढ़ जाती है। और मार्केट में क्या होता है, कंपटीशन बहुत होता है। पार्ले जी ऐसे कई बिस्किट आ गए हैं, बाबा रामदेव जी का बिस्किट है, ठीक है। तो इस कंपटीशन की वजह से वो लोग क्या करते हैं, अपने बिस्किट के दाम को बढ़ा नहीं पाते हैं, तो वो क्वांटिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इस बात को हमने समझा, श्रिंक इन्फ्लेशन। अब इसरो ने हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम सक्सेसफुली क्या किया है, उसका टेस्ट किया है, इसको बनाया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने, उसको सपोर्ट किया है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने। इसमें जो कन्वेंशनल जो पहले हम यूज करते थे उसमें क्या था, वो अभी भी यूज कर रहे हैं, अभी इसका केवल टेस्ट हुआ है। उसमें एसटीपीबी जो हाइड्रोसिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन जो फ्यूल होता है, केवल इसको यूज करते थे, लेकिन अब इसमें ऑक्सीडाइजर के रूप में इसके एसटीपीबी के साथ साथ लिक्विड ऑक्सीजन भी यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, इसकी लागत में भी कम आएगी और हम इसको इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। और क्या होगा, इसको हम सेफली क्या कर पाएंगे, इसको हैंडल कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। अब आपको एसटीपीबी के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि इतना डिटेल में बीपीएससी कभी नहीं पूछता है, ठीक है, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे ये वाला। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, आपको एक फ्यूल पंप रहता है, एक ऑक्सीडाइजर रहता है। तो फ्यूल पंप इनने यहाँ से डाला, ऑक्सीडाइजर ने यहाँ से डाला, तो दोनों मिक्स होके क्या करेंगे, आपको एक रिजल्ट देंगे जो आपको बेटर इसरो के डेवलपमेंट में क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। तो जहाँ से क्या होता है, यहाँ से एनर्जी जाएगी, तो यहाँ से ये आपका ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, वो ये वाला पार्ट, ठीक। आगे चलते हैं। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है हम कि इसरो का जो भी मतलब कि हमारा स्पेस सेक्टर है उसके संबंध में क्या संस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ लें, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बन जाते हैं। तो जैसे सबसे ऊपर होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उसके उसके नीचे होते हैं स्पेस कमीशन होता है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस होता है, और इसके कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं होते हैं, जैसे NSIL होता है, कि एंटेक्स होता है। अच्छा, एंटेक्स पहले था जो वाणिज्यकरण को बढ़ावा देता था, लेकिन अब इसके दो अतिरिक्त संस्थाएं आ गए, एक तो NSEL है, इसके अलावा एक इन स्पेस है, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो स्पेस टेक्नोलॉजी होती है, जो हमारा स्पेस एरिया है, उसमें प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देंगे, ठीक है, इस पे आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, फिर इसके नीचे कौन है, इसरो, फिर इसरो काउंसिलिंग, और फिर इसके नीचे छोटे छोटे जो हमारे सब सेंटर होते हैं, जो विभिन्न क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल किए हुए काम करते हैं, जैसे BSS होता है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, LPSC है, तो ऐसे हमारे बहुत से स्पेस सेंटर हैं। तो ये क्या करते हैं, काम करते हैं। पॉज करके आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। अब इसरो ने कुछ इंजन डेवलप किए हैं, जैसे साउंडिंग रॉकेट से स्टार्ट किया, फिर SLV डेवलप किया, ASLV डेवलप किया, PSLV सबसे चर्चित है, और GSLV और GSLV Mark 3 डेवलप अभी स्टेज में है, इस पे हम काम अभी चल रहे हैं, अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है। हम किसी दिन सारे इंजन इसको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, और एक लेक्चर स्पेशली इस पे बनाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। WTO ने WHO ने रिपोर्ट जारी की है इंडिया के बारे में, कि नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज है वो इंडिया में सबसे खतरनाक होती जा रही है, और उनने कहा है कि 2019 में जो 66% जो डेथ हुई है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मतलब NCDS के द्वारा हुई है, ठीक है, और जो 22% जो डेथ है वो 30 से 70 साल के बीच हुई है, जिसमें सब जिस जिसमें योगदान किसका है, NCDC का है, मतलब गैर संचारी रोगों का। और गैर संचारी रोग क्या होते हैं आपको पता है, कार्डियो वस्कुलर डिसीज, हृदय रोग संबंधी कैंसर होता है, और हमारे जो मतलब कि डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये क्या होते हैं, हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, 60.64 जो लाख पीपुल हैं वो इंडिया में 2019 में NCD के कारण
गैर संचारी रोगों के कारण मरे हैं, और प्रत्येक 2 सेकंड में एक व्यक्ति जो 17 साल का है वो एनसीडी के कारण क्या हो रहा है, मर रहा है। तो इस बात को हमारे लिए बहुत गंभीर स्थिति है। क्यों? क्योंकि हम कुकिंग जो फूड है वो ज्यादा खाते हैं, रीयूज ऑयल का उपयोग करते हैं। जैसे आप समोसा खाने गए, तो समोसा ने एक व्यक्ति ने क्या किया, उसने एक बार समोसे को गर्म कर दिया, फिर वो तेल क्या हो गया, ठंडा हो गया, फिर उसने उस तेल को गर्म कर दिया, फिर तेल ठंडा हो गया। तो इससे क्या होता है, जो हमारा जो बैड फैट होता है वो इस तेल में बहुत ज्यादा होता है, और इसके कारण जो हमारी हृदय रोग संबंधी समस्याएं हैं वो इससे बहुत गंभीर रूप से प्रभावित होता है हमारा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो एक डेटा है, इसको आप कोट कर सकते हैं मेंस के टॉपिक में। ठीक है, अब इसमें देखो, उसमें कार्डियोवास्कुलर जो डिसीज है उससे 25 लाख से ज्यादा लोग मरे हैं, और क्रोनिक जो रेस्पिरेटरी डिसीज है उससे 11 लाख से ज्यादा लोग मरे हैं, और 3.5 लाख लोग किससे मरे हैं, डायबिटीज से मरे हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, जो डायबिटीज ऑफ टाइप 2 है उसमें 95% जो ग्लोबल केसेस हमको देखने को मिले हैं। और क्यों होता है, जो तंबाकू खाने से होता है, अनहेल्थी डाइट से होता है, हार्मफुल यूज ऑफ एल्कोहल से होता है, फिजिकल अगर हम कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं तो उससे होता है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा, कहाँ गए थे, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो ये हम पढ़ रहे थे, तो हमने देख लिया, और हमने एक गौर नोटिस किया होगा, मतलब जिसको अगर डायबिटीज है, हृदय से संबंधित बीमारी है, तो उसको कोरोना ने ज्यादा इफेक्ट किया, और 75 कंट्री में हमको कोरोना से ज्यादा डेथ देखने को मिली जहाँ पे एनसीडीज ज्यादा थी। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है और हम इसको एग्जाम में यूज कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं WHO के बारे में। तो WHO का गठन 1948 में हुआ, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और ये हेल्थ सेक्टर में काम करता है। इंडिया इसका क्या है, मेंबर है। कोर फंक्शन क्या है, ये लोगों को जो देश हैं जो स्वास्थ्य क्षेत्र में उनको लीडरशिप प्रदान करते हैं, अनुसंधान करते हैं, नॉर्म और स्टैंडर्ड को बढ़ावा देते हैं, वैक्सीन से संबंधित दवाइयों से संबंधित जो नॉर्म होते हैं उनको बढ़ावा देते हैं, पॉलिसीज ऑप्शन को बढ़ावा देते हैं, टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, और मॉनिटरिंग करने का कार्य करते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए बात है फर्टिलिटी पे, देश में क्या चल रही है, बहस चल रही है, तो हम इसको बेसिक बारे में समझें। सबसे पहली बात है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि लिबर्टी मतलब कि जो हमारी उदारता है, और इक्विटी जो हमारी समानता है, फर्टिनिटी है, उनको अलग अलग ट्रीट नहीं कर सकते, ये क्या है, एक ट्रायंगल है। अगर ये तीनों चीजें स्टेबल रहेंगी तभी हमारा देश क्या होगा, एक विकास विकसित देश बन सकता है, और हम क्या करेंगे, देश में क्या कर पाएंगे, फर्टिनिटी स्टेब्लिश कर पाएंगे। ठीक है, ये बोला। फर्टिनिटी का मतलब होता है कि हम बंधुत्व बनाए रखें, एक दूसरे का सम्मान करें आपस में। ठीक है, विभिन्न धर्मों में क्या हो, सद्भाव हो, तो ये मतलब होता है फर्टिनिटी का। और ये शब्द तीनों हमने कहाँ से लिए हैं, लिबर्टी मतलब कि उदारता, इक्विटी समानता, फर्टिनिटी, हमने फ्रांस से लिए हैं, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, वहां से हमने इनको तीनों शब्दों को अपनी प्रस्तावना में लिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि कभी कभार यूपीएससी प्रस्तावना से प्रश्न पूछ लेती है। ठीक है, तो वो प्रश्न पूछ लेती है कि कैसे पूछती है, कि प्रस्तावना में क्या क्या डिफाइन है, और एक सिक्वेंस पूछ लेती है तो क्या है। तो सबसे पहले है कि हम भारत के लोग, भारत को कौन, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, कौन सा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो इसमें क्या क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय दिलाएंगे, कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इस बात को ध्यान रखना, और
उनको स्वतंत्रता दिलाएंगे। क्या विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता और उनको समता देने का प्रयास करेंगे, मतलब प्रतिष्ठा, अवसर की समता देंगे और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता देने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे और बंधुता के साथ हम बढ़ने का प्रयास करेंगे। और इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को एदो द्वारा के अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया। ठीक है, तो इन शब्दों को आप स्पेशली ध्यान रखना। ठीक है, तो अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि अगर हमें देश में सद्भाव चाहिए, फ्रेटर्निटी चाहिए, तो देश में असमानता नहीं होनी चाहिए, ये पहली बात। देश में अपोजिशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि देश कैसा हो अपोजिशन विहीन हो, उसमें अपोजिशन वाले लोग ना हो, उसमें क्या हो केवल सरकार ना हो, उसमें अपोजिशन भी, अपोजिशन होना ही नहीं चाहिए। अपोजिशन कैसा हो, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर सके और सही नीतियों में सरकार का क्या करे, साथ दे सके। और देश कानून के आधार पर शासित होना चाहिए और देशों के मतलब कि जो देश की जो शासक हैं और देश पे जो राज कर रहे हैं, देश की जनता का जो क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनमें संवैधानिक नैतिकता होनी चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बहुसंख्यक जो समुदाय है वो अल्पसंख्यक लोगों पर क्या करे, अत्याचार करे। ठीक है, उनका संरक्षण करना चाहिए। और कुछ सोसाइटी की कुछ मॉरल वैल्यू होनी चाहिए। और दूसरा, अगर आप कोई किसी कानून का निर्माण करते हैं तो पब्लिक का उसमें सहमति होनी चाहिए, पब्लिक की कंसाइंस होनी चाहिए। तो ये अम्बेडकर जी ने बोला। ठीक है, अब एक फंड चर्चा में है, क्यों चर्चा में है, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड क्यों चर्चा में है कि इसको इस मान कि इस फंड के जो ट्रस्टी हैं रतन टाटा को बनाया गया है जो, और इसके अलावा जो केटी थॉमस हैं उनको बनाया गया है और करिया मुंडा को भी इनके ट्रस्टी के रूप में बनाया गया है, किसके, पीएम केयर फंड के। ठीक है, तो एक्चुअली जो पीएम केयर फंड है उसको कोविड के दौरान क्रिएट किया गया और इसमें स्वैच्छिक रूप से कोई मतलब कि अनुदान दे सकता है। इसमें एक्चुअली क्या है कि इसमें कोई भी मतलब कि सरकार के द्वारा अतिरिक्त बजट इसमें नहीं दिया जाएगा, इसमें जितना भी पैसा होगा वो जनता का होगा, जनता के द्वारा होगा। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें अगर आप पैसा दोगे तो आपको इसमें 90% क्या मिलेगा, टैक्स से छूट मिलेगी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, इस बात को हमने समझा। अब इसमें दो फंड हमेशा चर्चा में रहते हैं, एक प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड और एक कोविड के दौरान स्टेबलिश पीएम केयर फंड। तो प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड जनवरी 1948 में स्टेबलिश किया गया, एक कोविड के दौरान 2020 में स्टेबलिश किया गया। इसको स्टेबलिश करने वाले माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, इसको स्टेबलिश करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। इसका पर्पज ये था कि जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, प्रवासन हो रहा था आजादी के टाइम पे, तो जो लोग थे, इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था, उन उन जो उन लोगों की क्या करनी थी, हेल्प करनी थी, उन लोगों को स्टेब्लिश करना था। तो इसका मेन उद्देश्य ये था, इसके लिए इसको स्टेब्लिश किया गया था। और पीएम केयर फंड कोविड-19 के दौरान जो महामारी हुई उसको लड़ने के लिए इसको स्टेब्लिश किया गया था। इसमें प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं और अदर फर्म टाटा ट्रस्टी होते हैं, फिक्की से होते हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट इसमें शामिल होते हैं, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। चेयरपर्सन इसमें जो पीएम केयर फंड है, प्रधानमंत्री तो होते हैं, इसके अलावा इसमें डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर देखने को हमको मिलते हैं और इसके अलावा कुछ ट्रस्टी लोग भी होते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि जो पीएम एनआरएफ है इसमें 100% आप लोएस्ट योगदान दे सकते हैं और पीएम केयर फंड में 100% मतलब कि लोएस्ट वाला 100 रुपये आप दे सकते हो। इसके द्वारा मैनी जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको एज वेल एज चलाया जाता है, इसमें ऐसा कुछ नेटवर्क नहीं है। इसको जो आपदा है जैसे साइक्लोन है, भूकंप है और जो प्राकृतिक आपदा है, जो डिजास्टर आता है, कैंसर ट्रीटमेंट, उसके संबंध में इसका यूज किया जा सकता है। इसमें
कोविड के लिए यूज किया जा सकता है, और कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कोई सरकार के द्वारा बजट नहीं लिया जाता है, इसमें भी कोई बजट नहीं लिया जाता है, तो आप इनका डिफरेंस याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, यील्ड कर्व कंट्रोल चर्चा में है, तो जापान की जो एन है वो डिक्लाइन कर रही है, तो बैंक ऑफ जापान ने कहा है कि हम अपनी जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाएंगे, ठीक है भाई, इतना ध्यान रखना ताकि उनकी जो इकोनॉमी है वो क्रैश ना करे। और रिसेशन, इसके द्वारा एक्चुअली क्या किया जाता है, जो रिसेशन है उसको प्रिवेंट करने की कोशिश की जाती है, एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, इसके द्वारा जो भी मतलब करेंसी होती है वो डिक्लाइन ना करे, उसके द्वारा इसको मतलब कि उसको प्रिवेंट करने की कोशिश इस यील्ड कर्व के द्वारा, कंट्रोल के द्वारा की जाती। कहने का मतलब है कि हम अपने देश में रिसेशन आने से रोक सकें। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे थोड़ा सा तो क्या होगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे, और लोग इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी क्या होगी, बूस्ट होगी। तो इसलिए चर्चा में है, बस हमको यही ध्यान रखना है, यील्ड कर्व कंट्रोल, तो आपसे पूछिएगा, आप बता देना। दूसरा, सरकार ने बीके पॉल की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है और कहा है कि जो फार्मा मार्केटिंग जो प्रैक्टिस है उनको, उनकी जो प्रैक्टिस है उनको रिव्यू किया जाए, उस उनके बारे में एक कोड ऑफ कंडक्ट लाया जाए, और जो भी उनकी लॉ है उनको प्रभावी रूप से अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो कैसे किया जा सकता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है आज के टाइम पे जो फार्मा कंपनी होती है, जैसे आपने एक न्यूज सुनी होगी डोलो कंपनी के बारे में, विवाद सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि हमको भी डोलो खिलाने का बोला गया था, ठीक है, तो ये कनेक्शन रहता है, गिफ्ट वगैरह आदान प्रदान होता है, और भी चीजें आदान प्रदान होती हैं, कई सेवाएं दी जाती हैं, तो ये ऐसा ना हो, माल प्रैक्टिस ना हो, करप्ट प्रैक्टिस ना हो, डॉक्टर काम करें एक सेवा की भाव से काम करें, ठीक है। तो इसलिए सरकार ने कहा है कि वीके पॉल के अध्यक्षता में हम कमेटी का गठन करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेटी का नाम याद रखना। नैनो प्लास्टिक चर्चा में है, आपने देखा होगा जो आप फेस वॉश यूज करते हैं उसमें नैनो पार्टिकल प्लास्टिक के होते हैं, आप उसका यूज करने के बाद वो ड्रेनेज सिस्टम में चले जाते हैं और इस रिस कर वो हमारे समुद्र में पहुंच जाते हैं, हमारा जो मरीन जो इकोलॉजी सिस्टम है उसको प्रभावित करते हैं, मछलियों को खासकर जो जलीय जीव होते हैं उनको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो नैनो प्लास्टिक रिसर्चर ने बनाया है जिसका नैनोमीटर 1,000 से तक है, और ये क्या करेंगे, जो हमारा जो इन्वायरमेंट संबंध है उसको डैमेज होने से रोकेंगे, और जो माइक्रोबीड होते हैं जो उसको नैनो प्लास्टिक बोलते हैं उसको मतलब कि उसका जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है उसको कम करने में सहायता करेंगे, ताकि लोग उसका उपयोग ना करें, नैनो प्लास्टिक का उपयोग करें, ठीक है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब एक्शन अगेंस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीजम, मतलब कि जो नक्सलवादी हैं उनके विरुद्ध सरकार ने 2014 में एक कंपेयर रिपोर्ट की है, उनने कहा है कि 77% जो नक्सलवादी घटनाएं हैं उसमें कमी आई है, उसके लिए सरकार ने ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया, उसके लिए सरकार ने ऑपरेशन डबल वेब बुल चलाया, उसके लिए ऑपरेशन चक्र बंधा चलाया, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इन ऑपरेशन का नाम ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एरिया आपको देखने को मिल जाएगा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश का एरिया भी, और विशेष रूप से ये बंगाल बिहार वाले एरिया तो है, ठीक है। हाईली कौन सा है जो आपको रेड दिख रहा है, और मॉडरेट कौन सा है जो आपको येलो में दिख रहा है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, मैप को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। टॉमिस्टोमा क्या है, एक्चुअली क्या है, एक क्रोकोडाइल है, एक साई स्पीसीज है, शर्माती है, और जहां भी अगर हाई ह्यूमन एक्टिविटी होती थी वहां से क्या करती है, पलायन करने का प्रयास करती है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आईयूसीएन का स्टेटस है इंडेंजर्ड है, ये बोर्नियो में देखने को मिलती है, मलेशिया में और सुमात्रा में हमको देखने को मिलती है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, और फ्रेश फ्रेश वाटर स्पीसीज है, ठीक है। लोकटक लेक चर्चा में है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन ने कहा है कि हम लोकटक लेक में फोटो जो शूट आय की परंपरा है उसको हम एग्जीक्यूशन करेंगे, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोकटक लेक के बारे में देखें, तो आपको एक नॉर्थ ईस्ट देखने को मिल रहा है,
यहाँ पे आपको मणिपुर देखने को मिलेगा। मणिपुर में आपको एक लोकतक लेक देखने को मिलेगी और लोकतक लेक ये आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, उसमें आपको संगाई डियर देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको केवल लामजाओ नेशनल पार्क हमको देखने को मिलता है। और ये केवल ऐसा नेशनल पार्क है जो क्या है, फ्लोटिंग है, जैसे आप यहाँ पर देखते हैं। और ये चीजें जो फ्लोट कर रही हैं, इसको फिम्डीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिम्डीज बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट की क्या है, एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो इम्फाल के नजदीक है, ठीक है। इसमें संगाई डियर स्पेशली देखने को मिलता है, इसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं, ठीक है। इंडेंजर स्टेटस है इसका IUCN में, और इसको डांसिंग डियर भी देखने को बोलते हैं। जिसमें अदर स्पीसीज हॉग डियर, ऑटर, वाटरफॉल, ठीक है, और माइटी बर्ड अदर भी हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब एक स्पार्स इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है। इनका इसका मेन उद्देश्य है कि हम जो भी मतलब कि डिफेंस सेक्टर है उसके जितने भी पेंशन वाले लोग हैं उनको हम डिजिटल इंडिया से जोड़ सकें, और DBT के माध्यम से हम उनको पेंशन का पेमेंट क्या कर सकें, पेमेंट कर सकें। तो आप इस बात को बस ध्यान रखना। एक नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम चर्चा में है। सरकार ने स्टेट और ईटू के साथ इसके संबंध में एक वर्कशॉप की है। ये क्या करती है, जो हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जो बीकर सेक्शन से हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो उनका ड्रॉप आउट हो गया है 8वीं साल में, उनको शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करती है। आप इसको बस इतना ध्यान रखना है, इसके बाद इसको कुछ हमें ध्यान नहीं रखना है। निजाम सॉर्ट चर्चा में है, इसको ध्यान रखना है। 14th सेंचुरी में हैदराबाद के ब्रिटिश, मतलब हैदराबाद के जो निजाम थे, सेरेमनी उन्होंने ब्रिटिश जनरल को इसको सौंप दिया था। अब रिटर्न होने की बात हो रही है, अर्ली रिटर्न इन सेट टू इंडिया, ठीक है। आप जैसा है देख पा रहे हैं इसका सेप, ठीक है। इसमें क्या होता था, महबूब अली खान, आसफ जहां, निजाम ऑफ हैदराबाद, 1903 में इसको दिल्ली इंपीरियल दरबार में इसको एग्जीक्यूशन किया था, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। दूसरा महत्वपूर्ण है, ई सिम चर्चा में है। जो आईफोन जो 14 आया है उसमें ई सिम होने की बात हो रही है। तो ई सिम अगर इम्बेडेड उसमें ऑलरेडी लग के आएगी, ठीक है, जो आपकी मदरबोर्ड में हो सकती है, स्मार्टफोन में हो सकती है, ठीक। इसके माध्यम से क्या होगा, आपका जो फिजिकल सिम है वो पूरी तरह आपसे हट जाएगी, ठीक है। जो इसका जो कंसेप्ट आया था 2012 में आया था। अब हम देख लेते हैं कि इसके एडवांटेज क्या होंगे। मतलब अगर आपने ई सिम है तो अगर मदरबोर्ड आल्सो रीप्रोग्रामिंग हो सकती है, आप पोर्ट किए बिना एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में आसानी से जा सकते हैं, तो आपकी जो नंबर सेव करने की समस्या है वो भी दूर होगी, ठीक है। मल्टीपल सिम प्रोफाइल आप स्टोर कर सकते हैं, सिक्योरिटी इनहेंस होगी। समस्या क्या होगी, समस्या होगी मान लो कोई इमरजेंसी आ गई, आपका फोन काम करना बंद कर दिया, तो आपकी सिम तो वही है ना उसी फोन में, तो आप फिर फोन कैसे लगा पाओगे। और बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जिनके पास ई सिम का जो सपोर्ट है, अवसंरचना है, वो नहीं है। और हमको ये देखने को मिलेगा, ई सिम हमको केवल प्रीमियम फोन में देखने को मिलती है। इंडिया में प्रीमियम फोन कम है, जबकि हमको देखने को क्या मिलते हैं, जियोमी देखने को मिलता है, वीवो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये किसके क्या है डिसएडवांटेज है। जैसे तीन तरह की ई सिम हो सकती है, एक फिजिकल ई सिम हो सकती है, इसमें इंसर्ट होगी, एम्बेडेड मतलब ऑलरेडी मोबाइल में लग के आएगी, और एक आपके CPU में ई सिम मतलब कि जो मदरबोर्ड रहता है उसमें लग के आएगी। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जब इसका विकास होगा, जब हमारे पास आ जाएगा, तब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो और एक नॉर्थ सी पढ़ लेते हैं आज। तो नॉर्थ सी से कौन कौन से देश लगते हैं, एक यूनाइटेड किंगडम लगता है, फ्रांस भी लगता है, बेल्जियम भी लगता है, नीदरलैंड भी लगता है, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और जर्मनी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा, और लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।